तो मैं आपको इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पर्सनिफिकेशन अलंकार बताने चल रहा हूँ। इसके पहले जो पार्ट वन वीडियो है फिगर्स ऑफ स्पीच का, उसमें दो अलंकार बता चुका हूँ, सिमली और मेटाफर। अब इसमें नंबर आता है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन माने होता है मानवीकरण। पर्सनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण। तो इसकी परिभाषा है, इन पर्सनिफिकेशंस लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्संस हैविंग लाइफ। लिख लीजिए, इन पर्सनिफिकेशन कामा लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्संस हैविंग लाइफ। हैविंग लाइफ इसकी हिंदी हो गई। इस अलंकार में यानी पर्सनिफिकेशन में, मानवीकरण में, किसी भी निर्जीव वस्तु को या विचार को हम सजीव जैसा वर्णन करते हैं। अर्थात निर्जीव वस्तु या निर्जीव विचार को हम सजीव जैसा वर्णन करने लगे तो वही पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण होता है। अर्थात हम जब किसी निर्जीव वस्तु या विचार में मानवीकरण कर दें, मानवीकरण माने मनुष्य जैसा बना दें, उसका वर्णन मनुष्य जैसा करने लगे, तो इसी को मानवीकरण कहा जाता है। माने सजीव जैसा उसको मानना। जैसे उदाहरण है, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो लव कोई सजीव तो है नहीं, लेकिन उसका हमने वर्णन कर दिया, क्योंकि अंधा तो वही ना होगा जिसको आँख होगी, और आँख जीवधारी को होता है। लेकिन हम उसको ऐसे कह रहे हैं, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो ये एक विचार है जिसको हम सजीव जैसा वर्णन कर रहे हैं। एंग्जाइटी, दूसरा उदाहरण देखिए, एंग्जाइटी इज सीटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। आप बताइए, चिंता कोई कीड़ा है क्या सजीव की आके चेहरा बैठ जाएगा? लेकिन नहीं, चेहरे पर चिंता की रेखा दिखाई दे रही है, चिंतित चेहरा दिखा रहा है, तो लोग कहते हैं चिंता बैठी हुई है। यानी बिल्कुल सजीव जैसा वर्णन हमने चिंता का कर दिया। तीसरा है, एलाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते हैं। एलाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो झूठ पैर तो हमेशा सजीव को होगा, झूठ तो एक विचार है, इसको पैर क्या, लेकिन हमने वर्णन किया है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। चौथा उदाहरण है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग, मृत्यु अपने बर्फीले हाथों को राजा पर भी रख देती है। मृत्यु अपने ठंडे हाथों को राजाओं पर भी रख देता है। तो मृत्यु कोई सजीव व्यक्ति थोड़ा ना है जो हाथ रखेगा, लेकिन हम उसका वर्णन कर रहे हैं इस तरह से, तो इसलिए वो हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। तो देखिए, अवसर कोई व्यक्ति थोड़ा ना है, सजीव थोड़ा ना है, लेकिन हमने उसका वर्णन वैसे ही किया है, तो अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, तो ये क्या हो गया, मानवीकरण हो गया। अब मेरे ख्याल से आप इसे समझ गए होंगे। इसके बाद चौथा जो है वो है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी माने संबोधन। एपोस्ट्रॉफी माने संबोधन, अलंकार। इसकी परिभाषा लिख लीजिए, एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस
एन एपॉस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द डेड, टू द एब्सेंट, टू द एब्सेंट, आर टू ए पर्सनिफाइड, आर ओ आर, आर टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट आर आइडिया, ऑब्जेक्ट आर आइडिया. एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, आर टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट आर आइडिया. अर्थात एपोस्ट्रॉफी अलंकार में हम सीधे सीधे किसी मरे हुए व्यक्ति को या किसी अनुपस्थित व्यक्ति को अथवा किसी पर्सनिफाइड वस्तु को, यानी कोई निर्जीव वस्तु को पहले सजीव बनाया गया, यानी उसमें पर्सनिफिकेशन अलंकार हुआ, पर्सनिफाइड किया गया, मानवीकरण किया गया, सजीव बनाया गया, मानव जैसा बनाया गया, और तब उसको जब हम संबोधित कर देते हैं तो वो एपोस्ट्रॉफी हो जाता है. एपोस्ट्रॉफी माने संबोधन, ओ हे कह के पुकारना. इस अलंकार में संबोधन किया गया रहता है और संबोधन का चिन्ह भी लगा रहता है. जैसे उदाहरण देखिए, ओ डेथ कम सून, तो हमने मृत को संबोधित किया ना, ओ कह के डेथ, संबोधन का ये चिन्ह लगा हुआ है, कम सून, ए मृत्यु शीघ्र आओ. ओ साली चूट, वेयर इज द चार्म्स, ए एकांत, ए निर्जन, वेयर इज द चार्म्स, तुम्हारा आनंद कहाँ है, तुम्हारा वो आनंद कहाँ है, जिसे लोग कहते हैं कि एकांत में बड़ा आनंद मिलता है, तो वो आनंद आखिर कहाँ है. ओ ग्रेव, ए कब्र, वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी विजय कहाँ है. लोग कहते हैं कि कब्र में जाने के बाद विजय ही प्राप्त होती है, तो वो विजय कहाँ है. ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी एट, ए जूलियस सीजर, तुम अब भी इतने महान हो, इतने ताकतवर हो. यानी जूलियस सीजर मर चुका है, तो मरे हुए व्यक्ति को संबोधित करके कहा जा रहा है. कोई अनुपस्थित व्यक्ति भी हो, अनुपस्थित का मतलब यह है कि यहाँ अनुपस्थित है, वहाँ अगर है थोड़ी दूर पर, तो वो अनुपस्थित नहीं माना जाएगा. अनुपस्थित माने जो सदा सदा के लिए अनुपस्थित है, या तो सदा सर्वदा के लिए गायब हो गया है, ऐसे को हम अनुपस्थित मानते हैं. ओ डेथ, ए मृत्यु, वेयर इज दाई स्टिंग, तुम्हारा वो डंक कहाँ है. स्टिंग माने डंक, तुम्हारा डंक कहाँ है जो तुम मार देते हो. तो इस प्रकार हम मृत को संबोधित किए हैं. तो ये सब के सब जो है वो क्या है, एपोस्ट्रॉफी अलंकार हैं, ये सब एपोस्ट्रॉफी अलंकार हैं. चलिए अब इसके आगे वाला बता रहा हूँ. तो पांचवा है ऑक्सीमोरन, यानी विरोधाभास. इसकी परिभाषा लिख लीजिए. इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट क्वालिटीज, टू टी डब्ल्यू ओ, टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड, आर एडेड टू द सेम थिंग, टू द सेम थिंग. इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड इन द सेम थिंग. अर्थात इस अलंकार में, यानी विरोधाभास में, एक ही वस्तु के परस्पर दो विरोधी गुणों को एक साथ रखते हैं. यानी इसमें किसी भी वस्तु के दो विरोधी, अपोजिट विरोधी गुणों को का एक साथ वर्णन किया जाता है, एक साथ रखा जाता है. जैसे ये वाक्य उदाहरण है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी नहीं है, ही हैथ ऑल, लेकिन उसके पास सब कुछ है. ये बताइए, कुछ भी नहीं रहेगा तो सब कुछ कैसे रहेगा, और सब कुछ रहेगा तो कैसे कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन दोनों है.
कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, विरोधी गुण दोनों एक साथ है। दूसरा है, लाइफ इज ए बिटर स्वीट, जीवन एक तीखा मीठा है। ये बताइए, तीखा है तो मीठा कैसे होगा? अगर मीठा है तो तीखा कैसे रहेगा? लेकिन नहीं, एक ही साथ दोनों का वर्णन किया गया है, तीखा मीठा। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला हुआ रहस्य है। ये बताइए, जब खुला हुआ है तो रहस्य कैसे रह सकता? और अगर रहस्य है तो फिर खुला हुआ नहीं रह सकता, एक ही रह सकता है। तो इसलिए ये भी क्या है, ये भी जो है ऑक्सीमोरन है। ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, उसे मीठा मीठा दर्द हो रहा है। बेचा, ये दर्द है तो मीठा कैसे रहेगा? अगर मीठा है तो दर्द कैसे होगा? तो दोनों विरोधी गुण हैं। ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वह नियमित रूप से अनियमित है। अनियमित तो रहता ही है, लेकिन अनियमित कैसे रहता है? नियमित रूप से, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। तो ये दोनों विरोधी गुण का वर्णन किया गया है। मेरा ख्याल है आप इसे समझ गए होंगे। इसके बाद छठवां है हाइपरबोल। हाइपरबोल माने होता है अतिशयोक्ति अलंकार। परिभाषा लिख लीजिए, इन हाइपरबोल कामा थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर आर लेस बेटर आर वर्स देन दे रियली आर। इन हाइपरबोल थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर आर लेस कामा बेटर आर वर्स फिर कामा देन दे रियली आर। अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी वस्तु का वर्णन उसकी वास्तविकता से या तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर वर्णन किया जाता है। यानी इस अलंकार में, अतिशयोक्ति अलंकार में, किसी भी वस्तु का उसकी वास्तविकता से या तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर वर्णन किया जाता है। जैसे उदाहरण है, सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, वह सागरों भर के रोई, इतना रोई कि कई सागर भर गए। ओशंस बहुवचन है, माने कई सागर भर गए। तो बताइए कितना अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन है। चम्मच तो रोने से भरेगा ही नहीं, कहाँ सागर भरेगा, तो बढ़ा चढ़ा के वर्णन है। दूसरा है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोएड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियाँ बह गई, एक नदी नहीं कई नदियाँ बह गई, तो ये भी बढ़ा चढ़ा के वर्णन है। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेज, मैंने उसे जुगों जुगों से नहीं देखा है। बताइए एक युग में कितना हजार वर्ष होता है, कितना हजार वर्ष, कितना सौ महीने वर्ष होता है, तब एक युग होता है। आदमी सौ वर्ष अधिक से अधिक जो जीता है वो जीता है, तो कई युग देखा, एक युग का एक अंश तो नहीं पाया। लेकिन बढ़ा चढ़ा के लोग कह देते हैं, अरे भाई युग कई युग हो गए आपसे मिले हुए, तो ये बढ़ा चढ़ा के वर्णन है। ऑल दी परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड्स, अरब के सारे इत्र इस छोटे से हाथ को अब धो नहीं सकते हैं। तो बताइए, अरब में इत्रों का जो है वो बड़ी बड़ी टंकियाँ और बड़े बड़े नाले हैं, टाइप हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, और ये बड़े बड़े टैंक हैं जिसमें आदमी को डाल दिया जाए तो पता नहीं चलेगा, और हाथ नहीं धोया जा रहा है, तो ये भी बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन है। यद्यपि जहाँ के लिए वर्णन है वहाँ तो सही है, इसका अर्थ यह है कि कलंक लगा हुआ है, उस कलंक को जो है पूरा परफ्यूम नहीं हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर से तो थोड़ा सा परफ्यूम्स धो देगा। तो ये बढ़ा चढ़ा के वर्णन है। बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, बिलिंडा मुस्कुराई और पूरा संसार खुश हो गया। बताइए बिलिंडा कितना मुस्कुराई, कैसे मुस्कुराई, पूरा संसार सुन लिया और खुश हो गया। तो क्या है, ये बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है।
अब एक अलंकार और आपका बच रहा है, ऑनोमेटोपोइया। तो ये सातवां है ऑनोमेटोपोइया, अंतिम है। ऑनोमेटोपोइया माने होता है ध्वनि सूचक। लिख लीजिए परिभाषा, इन ऑनोमेटोपोइया कामा द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग। साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग। इन ऑनोमेटोपोइया कामा द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग। अर्थात इस अलंकार में, यानी ध्वनि सूचक अलंकार में, आवाज से ही हम उस वस्तु के अर्थ या उसके विषय में जान लेते हैं। यानी आवाज से ही हम उसके अर्थ भाव को या उस वस्तु के विषय में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम देखे नहीं, लेकिन अगर कौवा बोल रहा है, नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसकी बोली से हम समझ जाते हैं कौवा बोल रहा है, कोयल की बोली से समझ जाते हैं कोयल बोल रही है। तो जितने जानवरों की बोले हैं, पक्षियों की बोल हैं, या किसी भी वस्तु की आवाज़ जो बोल है, उससे अगर हम उस वस्तु के बारे में जान लें तो यही ऑनोमेटोपोइया यानी ध्वनि सूचक है। जैसे द कैट्स म्यू, बिल्लियाँ म्यू म्यू करती हैं। तो आप बिल्ली को ना देखें लेकिन बोल रही है बाहर म्यू 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 म्यू, तो आप समझ जाते हैं बिल्ली बोल रही है बिना बिल्ली को देखे, यही ऑनोमेटोपोइया है। द कॉक्स क्रो, मुर्गे जो है क्रो 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 को करते हैं, आप सुन लेते हैं क्रो क्रो बोलते हुए मुर्गे को, आप समझ जाते हैं कि मुर्गा बोल रहा है। द स्नेक हिसेज इन द बुश, सांप जो है वो झाड़ी में हिस करता, हिस करना माने फुफकारना, फों फों करना। तो अगर झाड़ी में से फों फों सुनाई दे रहा है तो आप जान जाएंगे कि इसमें सांप है बिना देखे। आई हर्ड द वाटर लैपिंग इन द रिवर, मैंने नदी में जल को लैपिंग माने कलकल की ध्वनि करते हुए सुना। तो जब कलकल की ध्वनि आप सुनते हैं तो भले ही जल को न देखें अंदाज लगा लेते हैं कि जल गिर रहा है नीचे। द क्रोच काँव, कौवे काँव काँव करते हैं, तो आप कौवे को न देखें लेकिन काँव काँव सुन लेते हैं, समझ जाते हैं कौवा है। तो इस प्रकार मैंने आपको सातों अलंकार बताया। आपके परीक्षा में किसी एक अलंकार की परिभाषा पूछता है और दो उदाहरण, तो आप सारी परिभाषा याद कर जाइए और उसके दो दो उदाहरण। दो नंबर का ये रहता है और दो नंबर का अलग से देता है पहचानने के लिए, दिया रहेगा और आपको उसे पहचानना रहता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। जैसे परीक्षा में दे दिया ऐसे ही द कैट्स म्यू कहेगा कौन सा अलंकार है, तो आप पढ़े रहेंगे तो लिख देंगे ऑनोमेटोपोइया। तो दो नंबर परिभाषा और उदाहरण के लिए रहता है और दो नंबर जो है वो पहचानने के लिए रहता है। तो जब आप परिभाषा रट लेंगे और उसको समझ लेंगे और उदाहरण रट लेंगे तो ऑटोमेटिक आप उसे पहचान भी लेंगे। इस प्रकार मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच बता दिया। इस दोनों वीडियो में, प्रथम वीडियो में दो बताए और इस वीडियो में पाँच सातों आपको बता दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।